आपको सर्व करके दिखाती हूँ किस तरह से ये हम अपनी प्लेट को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम थोड़े से राइस लेंगे, हमने थोड़े से राइस लिए, उसके साथ ये देखिए कितनी खुशनुमा सी कबाब की शाशलिक कबाब, आपने इसको शाशलिक कबाब उठाया आपने, आपने इसका ये जो हमने सॉस बनाई है वो यहाँ से इसकी थोड़ी सी हमने सॉस ली, ये देखिए थोड़ी सी सॉस इसकी हमने ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान के बाद एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को अपने किचन में ले आई हूँ और आज जो मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ वो है चिकन के शाशलिक कबाब। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, सारे इंग्रेडिएंट मैंने सामने ही रख लिए हैं निकाल के ताकि टाइम कम से कम लगे। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से काम शुरू करते हैं कि मैं शाशलिक कबाब किस तरह से ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ। तो चलें देखें मुझे मैं किस तरह से ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ। तो चलें काम शुरू करते हैं। शाशलिक कबाब के तमाम इन्ग्रीडियंट्स मैंने टेबल पर पहले से ही तैयार करके रख लिए थे ताकि टाइम कम से कम लगे। और शाशलिक कबाब के लिए मैंने ये बोनलेस तकरीबन 1 kg चिकन लिया है और इसके मैंने ये क्यूब्स तैयार कर लिए हैं। तो चलिए काम शुरू करते हैं और सबसे पहले जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हमने इसमें ये अनियन जो है वो चॉप करनी है। अनियन चॉप करेंगे, ये देखिए मैंने अनियन पहले से ही काट के रखी हुई है ताकि टाइम, और ये मैंने एक दरमियाना अनियन लिया हुआ है और उसको अब हम चॉप करेंगे। चॉपर में ही चॉप कर लेंगे क्योंकि हमने इसका पानी निकालना है। हम चिकन डालते जाएंगे, सी को थोड़ा सा बारीक कर लेंगे, फिर इसमें हम मसाला शामिल कर देंगे। बारीक हो गया है, अब इसी में मैं ये प्याज शामिल कर दूंगी। अभी इसी बारीक चिकन में जो हमने इसको थोड़ा सा चॉप किया है, इसमें मैं ये एक मीडियम साइज का अनियन जो हमने चॉप करके इसका पानी ड्रेन कर दिया था वो शामिल कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने सिलांट्रो लिया है, इसे धो के ड्राई कर लिया था, और ये कुछ पत्ते जो है ये मिंट के हैं और ये मैं अपने यहाँ से पिक करके लाई हूँ, ये फ्रेश मिंट है। और उसके साथ 3 मैंने मिर्च ली थी और मैंने इसको छोटा कर लिया, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। अच्छा, अब ये मसाले भी मैं बताती जाऊँ कि ये पिंक सॉल्ट है, मैंने 1 teaspoon पिंक सॉल्ट लिया, 1/2 teaspoon मैंने गरम मसाला लिया, थोड़ा सा मैंने नटमेग लिया है, 1 teaspoon मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 teaspoon मैंने चाट मसाला लिया है, और तकरीबन 1.5 teaspoon मैंने ये कोरिएंडर और क्यूमन सीड रोस्टेड जो है ये जो मैंने बना के रखती हूँ ये वो लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेफ्रॉन, मैंने थोड़ी सी सेफ्रॉन ली है, अगर आपके पास है तो डालें वरना कोई मसला नहीं, ये मैंने ऐसे ही जो है वो ऐड की है खुशबू के लिए, जायके के लिए। तो ये सब पाउडर अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो मसाला मैं तेज रखूंगी इसमें ताकि फ्लेवर अच्छा, क्योंकि चिकन फीकी होती है, सबको पता है चिकन फीकी होती है, तो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो अच्छा आए। फ्राई होती है चिकन तो इसलिए बटर डाल रही हूँ इसमें, आप बटर डाल दें, घी डाल दें, ऑयल डाल दें, आपकी चॉइस है कि आप इसमें कुछ भी शामिल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये डाल, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इस तरह से लूंगी कि इसमें से पानी ना शामिल हो, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल दबा कर इसको लूंगी ताकि इसमें से, तो ये तकरीबन ये देखिए पूरा ड्रेन करके ताकि पानी कम से कम शामिल हो,
ये देखिए तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया। अब तमाम इंग्रेडिएंट इसमें आ गए हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से ये सब, ये देखिए अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसे इसमें से निकाल लूँगी। मैंने जो है ये इसको निकाल के इस पे रख लिया है। अभी मुझे थोड़ा सा नमक जो है कम लग रहा है, तो मैं इसी स्टेज में मिक्सिंग से पहले ही मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जो है वो मैं दोबारा से इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ। आप नॉर्मल बनाना चाहें तो नमक मत ऐड कीजिएगा। चाट मसाला ऐड किया और थोड़ी सी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये मसाला कम लग रहा था। इसमें मैं वाइट पेपर है, ये थोड़ी सी मैं वाइट पेपर भी शामिल कर दूँगी, जिसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बात नहीं ये करना है कि हाथ मेरे वॉश हैं, मैंने थोड़ा सा इसमें यूं करके उठाया। इस तरीके से ये शेप आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। इसे यूं निकाल देना है, ये निकाल देनी है और ये आपका कबाब आ गया है, ये आपने यूं रख लेना है। इस तरीके से सारे कबाब तैयार कर लेंगे। कबाब मैंने तमाम तैयार कर लिए हैं और अभी थोड़े से हैं। अभी आप ये कहेंगे कि 1 kg में सिर्फ 12 बने, मुख्तलिफ थोड़े छोटे थोड़े बड़े साइज़ के मैंने बनाए, मगर थोड़ा कीमा अभी और है तो उसकी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी और मैं वो फ्रीज़ कर दूंगी। तो यहाँ मैंने एयर फ्रायर का पैन ले लिया है, इसमें चाहें तो आप ये बटर पेपर लगाएँ, चाहें तो आप ना लगाएँ। तो आज मैं इसको लगा के बना रही हूँ, आपने इसको इसमें इस तरह से लगा देना है, फिर आपने इस पर कबाब जो है जैसे ये देखिए इस तरह से कबाब उठाते जाएंगे। और कबाब के अंदर वैसे तो बटर मैंने डाली है, मगर थोड़ा सा जो है हम इसमें ऑयलिंग करेंगे। ऑयल ले लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रशिंग कर दूंगी अभी लगाने के बाद ही, ताकि ये अंदर तो इसके बटर है, मगर थोड़ा सा मैं इसके यहाँ पर भी ब्रशिंग कर। इस तरह से पूरी मैंने ट्रे सेट कर ली है। ये स्क्वायर्स में मैंने काट के रखे थे, ये देखिए अनियन है, रेड अनियन है, ये रेड बेल पेपर है, ऑरेंज बेल पेपर है, येलो बेल पेपर है। ये आज मैंने ये तीनों बेल पेपर्स ली थी, ग्रीन नहीं थी, वरना ग्रीन भी ले लेती। ये मैंने बना के रखी है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऑयल के अंदर फ्राई कर लूंगी, इसको डालते जाएंगे यूं, थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे। और कुछ हम इसमें से रखेंगे कि जो हमने अभी इसकी सॉस बनानी है उसमें डालेंगे। मैं वाइट पेपर भी इसमें डाल रही हूँ। खोल लेंगे इस तरीके से ताकि तमाम अनियन जो है ये। अब ये हम निकाल लेंगे इसी स्टेज पे, हमने बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है इन्हें, मतलब बहुत ज़्यादा सौते नहीं। अब इसी स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमने इसे, हल्का सा हमने इसको बस कलर इसका टर्न हो वो
हमने करना था। तो मैंने ये बना के रखा है, कुछ क्यूमन सीड है, क्यूमन सीड डाल देंगे, गार्लिक के स्लाइसेस हैं, ग्रीन चिलीज हैं और कड़ी पत्ता है, ये अब हम डाल के इसका शुरू करेंगे। हल्का सा इसको, जैसे ये हल्का सा हो जाएगा कलर इसका हल्का सा चेंज करने देंगे, वैसे ही हमने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है। हम इसमें पानी डाल देंगे, ये जले ना, और उसके साथ ही मेरे पास ये फ्रोजन टोमेटोज हैं, ये मैं फ्रोजन टोमेटो इसमें रख रही हूँ, ये मैं सॉस बना रही हूँ, तो थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल के इसको ढक के बनाएंगे, थोड़ा सा पानी और डाल दिया और अब हम इसको ढक के बनाएंगे। यहाँ पे पानी बॉईल हो गया, मैं चावल डाल दूँ। ये देखें इसकी ये शक्ल नज़र आई है अभी। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको टर्न करूँगी, तो ये देखिए टर्न मैंने किया इसको, तो ये अभी इसको टर्न करके थोड़ा सी देर और बनाऊँगी, तो फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब हम इस सॉस को जो बना रहे हैं शाशलिक के लिए, उस पर थोड़ा सा मसाला डालेंगे। मसाला ये हाफ़ टी स्पून हमने इस पर सॉल्ट डाला, हाफ़ टी स्पून हम इस पर क्रश पेपर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी, हाफ टी स्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया, ये रोस्टेड क्यूमन सीड और कोरिएंडर पाउडर भी हमने हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर दिए। इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे, ये सॉस सी बन जाएगी, एक तरह की छोटी सी सॉस बन जाएगी। दूसरी तरफ चूल्हे पर हालत ख़राब हो गई, पानी उबल गया पानी चावलों का, तो उसकी वजह से चूल्हा पूरा गंदा हो गया। बहरहाल मैं इसको अभी थोड़ी देर में क्लीन अप करूँगी, जब तक के लिए मैं इसको थोड़ा सा थिक कर लें, पकाएँगे और इसे थोड़ा सा थिक कर लेंगे, ऐसा कि थिक सी सॉस हो जाएगी, बिल्कुल पतली सॉस नहीं होगी। बना रही हूँ इसमें, मैं गरम करने रख दिया था, मैंने चिकन बॉईल की थी, इसमें नमक और काले मिर्च डाल के उस यखनी के अंदर मैंने ये गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, इतना जितना आपको कलर चाहिए और फ्लेवर चाहिए। तो तकरीबन 4 टीस्पून मैंने इसमें गार्लिक सॉस डाल दिया, 4 टेबल स्पून मैंने गार्लिक सॉस डाल दिया। इसको हिलाते जाएंगे, तो हम जिसमें हम कबाब की सॉस के लिए जो बना रहे हैं इसका पानी बिल्कुल ड्रेन कर देंगे, पानी बिल्कुल निकाल। ये चिकन जो बॉईल की थी वो हम इसमें डाल देंगे, इसमें हम थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे, इसमें ये हम थोड़ी सी थाई चिली डालेंगे स्वीट करने के लिए, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर, हॉट पेपर्स डालेंगे,
यखनी बनाई थी तो उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया था, तो अभी भी थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे। टेस्ट कर लेंगे, जो चीज़ कम होगी वो ऐड कर देंगे। सब चीज़ें बिल्कुल सेट है। कबाब तैयार हो चुके हैं, कबाब भी आपको दिखाती हूँ अभी। कबाब तैयार हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी कबाब बने, मसाला बहुत अच्छा है। चिकन चूँकि थोड़ी सी फीकी होती है, तो अगर आप इसमें मसाला तेज रखेंगे तो कबाब बहुत बेहतरीन बनेंगे। जिस तरह के देखें आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार जूसी कबाब है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी कबाब है। यहाँ रख लेती हूँ अभी। जैसे ये सामान तैयार होता है तो मैं आपको बताती हूँ कि आगे करना क्या है। थोड़ा सा चूल्हा मैंने तेज किया है ताकि ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, बहुत भी खुश्क नहीं करना। और इसको भी टेस्ट कर लें कि इसमें भी कोई कमी बेशी है। वैसे तो हमने मसाला देख के ही डाला है। ये सॉस भी बहुत मज़े की है। देखिए ये सॉस जो मैंने बनाई है टमाटर की, ये तकरीबन तैयार है। हल्का सा इसमें पानी है, मगर मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करूंगी। और इसमें ये जो कबाब बनाए थे ये इसमें इस तरह से रखती जाऊंगी। बहुत कबाब बहुत टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार कबाब बने हैं। और शाशलिक शाशलिक कबाब इसलिए कहेंगे हम इसको कि हमने इसकी सॉस बनाई, इसमें डाला और उसके साथ जो मैंने तोड़ा था ये भी इसमें डाल देते हैं। उसके साथ ये जो मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने फ्राई करके हल्के से सौते करके रखी थी, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और यहाँ ये बॉईल हो रहा है। इसमें अभी मैंने जो है कॉर्नफ्लावर नहीं डाला है, तो ये भी बॉईल हो रहा है। और ये देखिए ये सब तब नाम डाल के मैंने हल्के हल्के हाथ से इसको हिलाकर इसको दम पे लगा देना है। चाहे तो आप इसकी गार्निशिंग के लिए इसमें धनिया डालें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही जो है वो पेश कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल, दोनों की फाइनल टच। ठीक है, आज की मेरी मज़ेदार रेसिपी शाशलिक कबाब जो मैंने आप लोगों के साथ तैयार की। कबाब बहुत टेस्टी है। आप चाहें तो इस तरह से सॉस तैयार करें और आप चाहें तो सिर्फ कबाब को चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने इसके साथ प्लेन राइस और मैंने शाशलिक, जैसे कि शाशलिक के साथ ही शाशलिक की करी बनती है, वैसे मैंने करी भी बनाई है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ सर्व करके कि किस तरह हम सर्व करेंगे। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये हम अपनी प्लेट को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम थोड़े से राइस लेंगे, हमने थोड़े से राइस लिए। उसके साथ ये देखिए कितनी खुशनुमा सी कबाब की, ये शाशलिक कबाब। आपने इसको शाशलिक कबाब उठाया, आपने आपने इसका ये जो हमने सॉस बनाई है वो से इसकी थोड़ी सी हमने सॉस ली। ये देखिए थोड़ी सी सॉस इसकी हमने ली, कबाब लगाया। एक और उठा लेंगे, ये हमने कबाब रखे, ये हमने मिर्चें ली। उसके साथ ये मैंने आपको बताया कि ये शाशलिक की प्योर सॉस जो शाशलिक के साथ बनती है वो सॉस लेके मैंने इसके ऊपर डाली। इसमें थोड़ी चिकन भी थी। ये देखिए ज़बरदस्त सी प्लेट तैयार है। तो ये था। और अगर हम इसको खा के देखें, देखिए
इतना जूसी फ्लेवर है, ये देखिए आराम से ये आपके कबाब जो हैं वो टूट रहे हैं और ये अंदर से भी बहुत जूसी हैं, और इसको आप इस तरह से करके खाएं तो बहुत ही मज़ेदार आपका डिनर तैयार है। जायका भी बहुत ही लाजवाब है। आज की मज़ेदार शाशले कबाब की रेसिपी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कबाब, और ये पूरी कंप्लीट रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी अच्छी वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।